नमस्कार दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ की इमारतें न जाने कितने दशकों के इतिहास को संजोए बैठी हैं। ये देश जितना ऐतिहासिक है उतना ही रहस्य में डूबा हुआ भी है। देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक यहाँ की संस्कृति से रूबरू होने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस देश में कुछ ऐसी भी जगह है जिनमें कई अनसुलझी कहानियां छिपी हुई हैं। इन जगहों को लेकर कई तरह की कहानियां मशहूर है। हालांकि भूत प्रेत जैसी चीजों का डर अनदेखा डर ही है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना। आज की वीडियो हमारा दूसरा पार्ट है। पार्ट वन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की लिस्ट के नंबर एक पर है दमस बीच। गुजरात के समुद्री तट पर स्थित दमस बीच पर्यटकों के लिए काफी खास है, क्योंकि ज्यादातर पर्यटक इस बीच का लुत्फ उठाने आते हैं। लेकिन स्थानीय लोगों की बातें सुनने के बाद अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार इस बीच पर अदृश्य ताकतों का बसेरा है। सूर्य अस्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी। किसी समय यह जगह कब्रों का ठिकाना हुआ करती थी। नंबर दो पर है सूझा चौल। ये महिम मुंबई में है। कहा जाता है कि इस चौल के आसपास एक भूतनी की आत्मा भटकती रहती है। ये करीब 25 साल पहले इसी चौल में रहती थी और एक रात कुएं से पानी लेने के लिए जब आई तो गलती से कुएं में गिर गई और मर गई। फिलहाल अब इस कुएं को बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों का कहना है कि तब से उसकी आत्मा चौल में घूमती दिख जाती है। नंबर तीन पर है शनिवारवाड़ा का किला। ये किला पुणे में स्थित है। इस किले में कई बार लोगों की कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं। बताया जाता है कि जब पश्चिम भारतीय प्रांत पर पेशवाओं का अधिकार था, उस समय पेशवाओं के राजकुमार नारायण नामक बच्चे की उसकी चाची के कहे जाने पर हत्या करवा दी गई थी। ये बच्चा सारे महल में दौड़ दौड़ कर अपने चाचा को मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन उसके चाचा खुद इस साजिश में शामिल थे, इसीलिए हथियारों ने उस बच्चे को ढूंढ कर उसकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि आज भी उस बच्चे के चिल्लाने की आवाज इस किले से कभी कभी आती रहती है। नंबर चार पर है जीपी ब्लैक। ये मेरठ में स्थित है। इस इलाके के बारे में कई बातें सामने आई हैं। कोई कहता है कि यहाँ लाल रंग की साड़ी पहने हुए एक औरत कभी बिल्डिंग के ऊपर तो कभी बिल्डिंग से बाहर आते हुए दिखाई देती है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ चार लड़कों को घर के अंदर टेबल पर एक धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते भी देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना ही छोड़ दिया है। नंबर पांच पर है बॉम्बे हाईकोर्ट। स्थानीय लोगों के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट के आसपास का इलाका भी हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। नंबर छह पर है वृंदावन सोसाइटी थांडे। माना जाता है कि कभी किसी व्यक्ति ने यहाँ आत्महत्या कर ली थी और इसी वजह से इस जगह पर आत्मा का साया रहता है। नंबर सात पर है रामोजी फिल्म सिटी। हैदराबाद का रामोजी राव फिल्म सिटी युद्ध भूमि पर बसा हुआ है। कहा जाता है कि सैनिकों की मृत आत्माएं भूत बनकर यहां भटक रही हैं। बताया जाता है कि फिल्म शूटिंग के दौरान कई असाधारण शक्तियां दिख जाती हैं। इस स्थान को सैनिकों का कब्रिस्तान कहा जाता है। नंबर आठ पर है दिल्ली कैंट। यहाँ से गुजरने वाले लोगों के अनुसार जो भी यहाँ से गुजरता है उन्हें सफेद साड़ी पहने एक लड़की दिखती है और वो लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर लोग नहीं रुकते तो वो गाड़ी के साथ भागती है। नंबर नौ पर है राज किरण होटल लोनावला मुंबई। मुंबई के पास लोनावला का राज किरण होटल भूतही जगहों में से एक माना जाता है। हालांकि चर्चा में आने के बाद से लोगों को यहाँ नहीं ठहराया जाता है, लेकिन इससे पहले की कहानियों में कई बार वहाँ ठहरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का जिक्र किया है। वो बताते हैं कि जब वो होटल के बाहर टहलते थे तो उनके पैरों पर नीली रोशनी दिखाई देती है। वहां ठहरने वालों ने बताया था कि सोते वक्त उनके बेड पर से कोई बेडशीट भी खींच लेता था। नंबर 10 पर है डूबने वाला चर्च शेट्टीहाली। 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरू डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गईं और मलबा बन गईं, लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगले एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक लिए धन्यवाद।